तो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम EMF भी लिखते हैं, और EMF को हम जिस लेटर से जनरेट करते हैं या लिखते हैं उसे हम बोलते हैं इस लेटर से। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, जिसमें हमारे पास एक बैटरी होगी। यहाँ पे ये एक बैटरी हो गई, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, जिसको मैंने कैपिटल आर से लिखा है। मैं बताऊंगी मैंने कैपिटल आर से क्यों लिखा है। और ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी है। ये चीज़ क्या हो गई, बैटरी। जब हमने इस पूरे सिस्टम को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने से क्या होगा कि हमारे पास करंट फ्लो करेगा, चार्जेस मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना, वो बेसिकली एक फ़ोर्स नहीं होती। इसको हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं कि ये फ़ोर्स है, लेकिन असल में इसको फ़ोर्स नहीं बोलते। जब हम यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे तो चार्जेस क्या करेंगे, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी, करंट यहाँ रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, यहाँ आएगा। जब यहाँ तक आएगा, अब उसने दोबारा से नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना है। जब वो इस तरह से हाई टू लो पे मूव कर रहा था, तो उसे किसी किस्म की फ़ोर्स या किसी किस्म की वर्क या एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी डायरेक्शन खुद ही से जो थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ गई। लेकिन अब चार्जेस ने दोबारा यहाँ से, क्योंकि बैटरी हमें फ़ौरन सप्लाई करती रहेगी, अब इस दोबारा से इस नेगेटिव ने पॉजिटिव में जाना है। ठीक है, तो वो कैसे जाएगा, मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है तो लो टू हाई जाना है। जब हमने किसी चीज़ को लो टू हाई मूव करवाना होता है, तो हमें उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसे एनर्जी देनी पड़ती है। एनर्जी यहाँ मिलेगी, तो एनर्जी की वजह से चार्जेस जो होंगे वो लो टू हाई मूव करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्पेस होती है, यहाँ पे ऐसा वर्क डन होता है, या ये बैटरी इसी को एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करती है या चार्जेस पे वर्क होता है, जिसकी वजह से चार्जेस लो टू हाई मूव करते हैं। और उस चीज़ को जो एनर्जी वो देता है चार्जेस को, तो EMF किसके इक्वल होगी, वर्क डन ऑन चार्जेस। इस चीज़ को हम बोलते हैं कि जो वर्क लगे चार्जेस के ऊपर उनको मूव करवाने के लिए फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, वो होती है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ से ही अगर हम EMF की एक यूनिट निकाल लें, तो वो क्या होगा, EMF इज इक्वल्स टू, वर्क का यूनिट होता है जाउल, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो जाउल पर कूलम इज आल्सो इक्वल्स टू वोल्ट। ओके, तो हम कहते हैं कि EMF जो होती है वो वोल्ट के इक्वल भी होती है, इसीलिए इनका रिलेशनशिप भी होता है। अगर इस डायग्राम को दोबारा से और से देखो, अगर हम ले एक आइडियल केस, कि आइडियल केस में क्या होगा, या आइडियल EMF क्या होती है, आइडियल EMF में हम कहते हैं कि हमारे पास जो वर्क डन यहाँ पे वर्क डन होता है, या जो भी प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से चार्ज को एनर्जी मिलती है कि वो यहाँ मूव करे, तो क्या बैटरी की अपनी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती? बैटरी की अपनी भी तो कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। आइडियल केस में बैटरी के पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। एक्चुअल में होती है, लेकिन आइडियल केस में बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती, और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, और जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास आइडियल केस है, तो इसका मतलब है कि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है वो EMF के इज़ इक्वल हो जाएगा। आइडियल केस में ये होता है। नॉन आइडियल केस क्या होगा, जो हमारे पास रियल EMF डिवाइस होती है, उस केस में क्या होता है, रियल EMF डिवाइस के केस में क्या होता है, मैं यहाँ पे दोबारा बना रही हूँ कि ये अगर हमारे पास एक नेगेटिव टर्मिनल था और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके दरमियान में यहाँ पे
बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो क्या V इज इक्वल्स टू E होगा? नहीं, V इज इक्वल्स टू E नहीं होगा। तो तब बैटरी का जो वोल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा EMF से। ये तब होगा जब हमारे पास रियल EMF डिवाइसेस हो। एक केस ये, दूसरा केस ये है, इसके दो केसेस हैं। आइडियल केस में तो V इज इक्वल्स टू E होता है, लेकिन रियल EMF डिवाइसेस में भी हम कहते हैं कि V इज इक्वल्स टू EMF हो सकता है। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वोल्टेज के इक्वल EMF के इज इक्वल हो सकता है? जब हमारे पास व्हेन नो करंट पासेस थ्रू लूप, ठीक है, हमारे पास मतलब के ओपन लूप हो। जब ओपन लूप होगा, करंट पास ही नहीं कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि V जो होगा वो E के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हमने अभी निकाला था कि हमारे पास EMF इक्वल होता है वर्क अपॉन चार्ज। अगर हम इसको dWdQ के फॉर्म में लिखते तो हमारे पास EMF जो होगी वो इस फॉर्म में इसके इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ से अगर मैं dW की वैल्यू निकालूं तो dW इक्वल हो जाएगा EdQ के। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये dQ का मतलब है कि चार्ज, ओके, चार्ज हमारे पास किसके इक्वल होता था? चार्ज इज़ इक्वल्स टू IT के। अगर हम dQ इज इक्वल्स टू निकालें तो IdT वैल्यू होगी। इस वैल्यू को इसमें पुट करना है तो हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन dW इज इक्वल्स टू EidT। अब इसी चीज़ को अगर हमने इन टर्म ऑफ पावर लिखना हो तो वो हमारे पास इक्वल होगा dW इज इक्वल्स टू, इस चीज़ की जगह हम लिख देंगे P और dT, EI या स्मॉल I से। ये जो अभी लिखा है मैंने, ये क्या है? ये सारा रिलेशनशिप है बिटवीन एनर्जी, चार्ज एंड वोल्टेज। इतना सा ये रिलेशनशिप किस में है? एनर्जी का, चार्ज का और वोल्टेज का। EMF इतना ही था और ये रिलेशनशिप भी एक पढ़ लिया। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे पास ये चार्जेस जो मूव करते हैं, ये करंट जो फ्लो करता है, ये एक लूप, ठीक है, ये एक लूप की फॉर्म है। यहाँ लूप बनाएंगे हम अगले में, और हमने निकालना होगा कि अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है तो हम करंट लूप या इसी सर्किट में करंट कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके दो मेथड हैं और वो दोनों इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।